दोस्तों, अगर किसी ऑफिस जॉब के बारे में सोच रहे हो तो इससे अच्छी जॉब नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें जो डिज़ाइनिंग फील्ड है, टोटल ऑफिस वर्क है, और इसमें अगर सैलरी की बात करें, काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, और ब्रिज डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है इस समय। और क्या क्या उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आपको इनमें से कौन से स्किल आने चाहिए और ये आप सीख कहाँ से सकते हो, एक अच्छे प्राइस में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। कोर्स लेना ना लेना आप पे होता है, बाकी मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा, प्राइस भी बता दूंगा, इंस्टीट्यूट बता दूंगा और भी काफ़ी चीज़ें बता दूंगा, बाकी बाय आपको करना है, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखना। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो इसमें आरसीसी ब्रिज कॉम्बो रहने वाला, जिसमें आप डिजाइन सीखने वाले हो और प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने वाले हो, दोनों चीजें आप सीखोगे। तो इसकी मैं डिटेल दे देता हूँ, सॉलिट्यूड एजुकेशन आपको ये करवाने वाला है, और इसमें डिज़ाइन में आप मैनुअल कैलकुलेशन सीखोगे, स्टैट प्रो सीखोगे, मिडायस आप सीखोगे, और फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आपको मिलने वाले हैं, सॉफ्टवेयर फ्री मिलेंगे। प्रैक्टिकल में आप बार बेंडिंग शेड्यूल इसका सीखोगे, बीओक्यू क्या होता है, रिइंफोर्समेंट का, कंक्रीट का, दोनों का, और कॉस्ट एनालिसिस, ये प्रैक्टिकल में आप सीखने वाले हो। अगर ब्रिज डिज़ाइन टॉपिक हम बात करें, इंट्रोडक्शन दी जाएगी, बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और एडवांस तक जाने वाला है, मतलब एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। देखो पूरी जो सेक्शंस होती हैं आईआरसी के हिसाब से आपको डिज़ाइन सिखाया जाएगा, लाइफ ब्रिज की कैसे निकालते हैं, फिर कोडल प्रोविजन जो प्रोवाइड करने होते हैं, फिर अगर हम बात करें डायमेंशन क्या रखनी है, डिटेल कैलकुलेशन की जाएगी, पूरा अंडरपास जो हो गए, ओवरब्रिज जो हो गए, फिर जो IRC 112 है, IRC 6 उसके हिसाब से आपको समझाया जाएगा, फिर डिज़ाइन किया जाएगा जो सॉलिड स्लैब रहती हैं छोटे मोटे ब्रिज की, उनकी बार बेंडिंग शेड्यूल वगैरह, फिर आई ग्रेडर जो रहते हैं, मोस्टली आप देखते होंगे जो भी हाईवे वगैरह हैं उनके आई ग्रेडर्स होते हैं, इनका आपको सिखाया जाएगा, डेक स्लैब का आई ग्रेडर कैसे करते हैं, फिर हाईवे ब्रिज के लिए जो आई ग्रेडर रहता है उसका आपको सिखाया जाएगा, फिर आई ग्रेडर इसका पावर थर्ड, मतलब काफ़ी नॉलेज आपको इनमें से मिलने वाला है। सेक्शन तीन सेक्शन में डिवाइड किया है, हर एक में अलग तरीके का नॉलेज आपको मिलेगा। फिर प्रैक्टिकल टॉपिक जो दिल्ली स्केड्यूल ऑफ रेट है, SOR जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेट एनालिसिस के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें वेरियस रेट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के, मैन पावर का रेट, स्किल अनस्किल्ड का, हायर चार्ज मशीनरी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फिर सॉलिड स्लैब का BOQ, बार बेंडिंग शेड्यूल, रेट एनालिसिस सब किया जाएगा। फिर वेकुलर अंडरपास BOQ, उसका BVS, अबटमेंट BOQ, फिर BVS, काफ़ी टॉपिक कवर होने वाले हैं, डेक स्लैब, आई ग्रीडर, पायर, इन सब की चीज़ें आपको पढ़ाने वाले हैं, और लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स की रहने वाली है, पूरी लाइफ आपके पास कोर्स पढ़ा रहेगा, वैलिड ISO सर्टिफिकेट मिलेगा, डेली डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिलने वाला है, डेटा, PDF, एक्सेल शीट, सब कुछ आपको मिलने वाला है, और एक्सेल शीट्स आपको दी जाएंगी। फिर अगर हम बात करें, इसमें सर्टिफिकेट आपको कुछ रहेगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट रहेगा, हर एक टॉपिक का, ब्रिज का, डिज़ाइन का अलग से, ब्रिज प्रैक्टिकल खुद के काम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यू में भी यूज़ आएगा। देखो कॉम्बो कोर्स रहते हो, दो दिन का ऑफर रहेगा। देखो ऐसे RCC ब्रिज डिज़ाइन आपको 2000 में पड़ेगा, फिर RCC प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2000 में पड़ेंगे, लेकिन कॉम्बो दोनों चीज़ें लेते हो सिर्फ 3000 आपको पे करना है, और फर्स्ट मंथ आप 1500 दे सकते हो, सेकंड मंथ 1500, मतलब EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर फाइनेंशियली आप अच्छे नहीं हो और एकदम से पे नहीं कर सकते हो तो फर्स्ट मंथ 1500 दीजिए, फिर सेकेंड मंथ 1500 दीजिए और सीखते जाइए। तो इसको सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, और दो दिन का ऑफर है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना, बाकी इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट आपको होता है ये सामने रहा, iOS में भी मिल जाएगी और गूगल प्ले स्टोर में भी आपको ऐप मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा ऑफर है, जल्दी जाके अप्लाई कर लीजिए।